नमस्कार दोस्तों कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम डोमिनेंट पोल और ऑर्डनरी पोल क्या होते हैं उसके बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों ये सारा कॉन्सेप्ट हम एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाना चाहते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके मान लीजिए कोई ट्रांसफ़र फंक्शन है दैट इज हंड्रेड अपॉन एस प्लस वन मल्टीप्लाई विद एस प्लस हंड्रेड तो दोस्तों ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है इसका पोल जीरो प्लॉट आपको सबसे पहले करना है पोल जीरो प्लॉट इन एस प्लेन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये आपका दोस्तों ओरिजिन है एस प्लस वन यानी इस गिवन ट्रांसफर फंक्शंस के आपको सबसे पहले पोल्स फाइंड आउट करने होंगे और वो पोल होंगे दोस्तों डिनोमिनेटर टर्म्स को इक्वल टू जीरो पुट करोगे इसके बाद जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वही फ्रीक्वेंसीज आपकी पोल्स कहलाती हैं तो दोस्तों यहां पे एक होगा s प्लस वन इक्वल टू जीरो माइनस वन आपका पोल है फिर दोस्तों s s तो तो बिकम्स दोस्तों दूसरा पोल आपका माइनस हंड्रेड है तो किसी भी पोल को आप क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करते हो मान लीजिए दोस्तों ये आपका माइनस वन है तो माइनस वन पे आपने एक क्रॉस मार्क लगा दिया ये बताएगा आपका फर्स्ट पोल यहाँ पे आपका ओरिजिन है फिर सेकेंड जो पोल है वो है दोस्तों माइनस हंड्रेड यानी यहाँ पे मान लेते हैं माइनस हंड्रेड की वैल्यू है और यहाँ पे आपका ये पोल आ गया यहाँ पे दोस्तों ऐसच ऐस कोई जीरो मेंशन नहीं है तो इसका मतलब इस ट्रांसफर फंक्शन में जीरो आपकी इनफाइनाइट पॉइंट पे लाई करती है इसके बाद हम बात करते हैं डोमिनेंट पोल क्या होते हैं दोस्तों वो पोल जो आपके ठीक ओरिजन के बिल्कुल पास लाई करें उन पोल्स को आप डोमिनेंट पोल कहते हैं यानी इसको हम लिखेंगे अरेस्ट टू ओरिजन वो पोल जो आपके ओरिजन के बिल्कुल पास हो ऐसे पोल्स को आप डोमिनेंट पोल कहते हो और अब बात करते हैं दोस्तों ओर्डनरी पोल्स की ऑर्डनरी पोल्स वो होते हैं जो आपके डोमिनेंट पोल से फाइव टाइम्स या ग्रेटर देन फाइव टाइम्स डिस्टेंस पे लाई करते हो यानी यहाँ पे दोस्तों अगर आपका माइनस वन पे कोई पोल uh, लाई करता है इसका फाइव टाइम्स होगा माइनस फाइव लेकिन दोस्तों यहाँ ये आपका पोल माइनस हंड्रेड पे लाई करता है इसका मतलब जो आपका डोमिनेंट पोल माइनस वन पे अवेलेबल है इसके फाइव टाइम्स से भी ज्यादा डिस्टेंस पे ये पोल लाई करता है इसका मतलब ये माइनस हंड्रेड पे जो पोल है ये आपका ऑर्डनरी पोल है यानी ऑर्डनरी पोल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फाइव टाइम्स और मोर और मोर डिस्टेंस किससे फाइव टाइम्स और मोर डिस्टेंस फ्रॉम डोमिनेंट पोल डोमिनेंट पोल तो दोस्तों ये आपके दो तरह के पोल्स होते हैं और इनमें सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा होगा दोस्तों ऑर्डनरी पोल्स को हम इन सिग्निफिकेंट पोल्स भी कहते हैं यानी डोमिनेंट पोल को हम सिग्निफिकेंट पोल भी कहते हैं अब इसका दोस्तों ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है इसका एक्चुअल में मैं सोल्व करना चाहता हूँ और इन डिटेल आपको बताना चाहता हूँ कि डोमिनेंट और ऑर्डनरी पोल्स होते क्या हैं तो ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है अगर इस ट्रांसफर फंक्शन का मैं सोल्यूशन अगर रखूं तो ये होगा दोस्तों हंड्रेड सॉरी दिस इज हंड्रेड डिवाइडेड बाई एस प्लस वन एस प्लस हंड्रेड तो दोस्तों इसको मैं बाई पार्ट्स एक्सप्लेन करूं तो इस ये बन जाएगा ए अपॉन वन एस प्लस वन ओवरऑल प्लस बी अपॉन एस प्लस हंड्रेड दोस्तों यहाँ पे ये हंड्रेड होगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे ये बनेगा आपका ए मल्टीप्लाई एस प्लस हंड्रेड प्लस बी मल्टीप्लाई इन एस दोस्तों इस इक्वेशन में अगर आप एस को जीरो पुट करोगे तो यहाँ से आपका ए मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू वन और अगर आप एस को माइनस हंड्रेड पुट करोगे तो दोस्तों यहाँ से बी मिलेगा आपको माइनस वन इसका मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन है अब वो ए और बी कॉन्स्टेंट वैल्यू निकाल चुके हैं वो मिलेगा वन अपोन एस प्लस वन माइनस वन अपोन एस प्लस हंड्रेड तो दोस्तों अब ये स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए एच ऑफ टी से हम अब डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन ये बनेगा आपका ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस हंड्रेड टी और मल्टीप्लाई विद यू ऑफ टी कर देते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि सारा का सारा सिग्नल आपका पॉजिटिव रियल टाइम्स में लाई करता है तो दोस्तों एक तरीके से गिवन ट्रांसफर फंक्शन हमने ये सोल्व किया और इसमें हमारा जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो है e रेज टू पावर माइनस टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस हंड्रेड टी लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म्स के बारे में बात करें तो ये होता है ऑल फाइनाइट पोल्स एंड जीरोज हैविंग कॉन्स्टेंट वन वैल्यूज यानी जितने भी आपके ट्रांसफर फंक्शन में जीरो हैं या पोल्स हैं उन सभी के वन कॉन्स्टेंट वैल्यू होने चाहिए तो दोस्तों ये कैसे होगा हंड्रेड अपॉन इस फैक्टर में ऑलरेडी वन प्लस एस समथिंग है तो कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी वन है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे इसमें एस प्लस हंड्रेड है तो इस हंड्रेड को हम वन बनाएंगे तो हंड्रेड हमें कॉमन लेना पड़ेगा तो जब हंड्रेड को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा वन प्लस पॉइंट जीरो वन एस दोस्तों इससे आपका क्या होगा हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा और इस टाइप से जो आपकी फॉर्म बनती है उसको कहते हैं हम टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म वो बनेगी आपकी वन अपॉन वन प्लस एस मल्टीप्लाई विद वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू एस राइट अब इसके बाद दोस्तों ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है सेकेंड इसमें टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी फॉर्म बनी वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एस मल्टीप्लाई विद वन प्लस पॉइंट जीरो वन इन टू एस अब इसमें दोस्तों ये जो आपका पोल है ये डेफिनेटली इन सिग्निफिकेंट पोल है ऑर्डनरी पोल है यानी इसको हम अब नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वन डिवाइडेड बाई एस प्लस वन या इसको वन प्लस एस लिखें या एस प्लस वन लिखें ये दोस्तों ऑलरेडी आपका एक स्टैंडर्ड स्लाप्लास्ट ट्रांसफॉर्म में है जब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये एच ऑफ़ टी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ये बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी इन टू यू टी तो इसका मतलब अगर दोस्तों इसमें हम कंप्लीट सारे पोल्स को कंसिडर करें तो ओवरऑल एक्चुअल रिस्पॉन्स हमारा ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस हंड्रेड टी मिलता है लेकिन अगर हम गिवन ट्रांसफर फंक्शन में ऑर्डनरी पोल्स को नेग्लेक्ट करें बाय टेकिंग टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म्स इसके बाद हमें जो रेस्पॉन्स मिलता है वो हमारा ई रेज टू पावर माइनस टी यू टी है यानी ये जो फैक्टर है दोस्तों ये जो वैल्यू है आपकी ओवरऑल रिस्पॉन्स में ये भी आपकी वही वैल्यूज यहाँ मिलती है इसका मतलब ये हुआ डोमिनेंट पोल्स आपका वो पोल्स होते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो रेस्पॉन्स है वो ऑलमोस्ट इन्हीं पोल्स की वजह से मिलता हो ऑर्डनरी पोल्स आपके वो पोल होते हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्स हमें बहुत कम मिलता है और उन रिस्पॉन्सेज को हम सिंपली नेगलेक्ट कर सकते हैं अब दोस्तों नेगलेक्ट हम कैसे करें अगर हम यहाँ पे टाइम इक्वल टू वन सेकेंड पुट करें तो दोस्तों ई रेज टू पावर माइनस वन देख लेते हैं यहाँ पे ये आपका ई रेज टू पावर माइनस वन ये वैल्यू बनेगी दोस्तों आपकी फॉर वन सेकेंड इफ टी इज इक्वल टू वन सेकेंड तो एच ऑफ टी की वैल्यू है पॉइंट थ्री सिक्स लेकिन दोस्तों यहां पर ई रेज टू पावर माइनस हंड्रेड इंटू टी है तो इसका मतलब यह हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस हंड्रेड तो यह भी आप वैल्यू चेक कर लीजिए ई रेज टू पावर माइनस हंड्रेड इसकी वैल्यू है दोस्तों थ्री पॉइंट सेवन टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टी फोर्टी फोर तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू जीरो है इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपका डोमिनेंट पोल की वजह से जो रिस्पॉन्स आपने ये निकाला है वो रेस्पॉन्स ही आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा तो यही दोस्तों डिफरेंस है आई रिपीट डोमिनेंट पोल वो पोल होते हैं जिसकी वजह से आपका जो टोटल आउटपुट रिस्पॉन्स होगा वो इन्हीं पोल्स की वजह से डोमिनेट करेगा यानी मैक्सिमम रेस्पॉन्स इन्हीं पोल्स की वजह से आपको मिलेगा ऑर्डनरी पोल्स या इनसिग्निफिकेंट पोल्स वो होते हैं जिसकी वजह से आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स में इनकी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम है उन रिस्पॉन्स को आप सिंपली नेगलेक्ट कर सकते हो लेकिन ऑर्डनरी पोल्स को नेग्लेक्ट आपको तभी करना है जब आप उसको टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकें सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू लाइक इट दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे Thank you so much for watching this video.